भरत दशम के लिए फिगर में चित्र निर्माण में आगे बढ़ते हुए ये चित्र एक दूसरा चित्र है जिसमें विद्यालय है, प्रधानाचार्य हैं, अध्यापिका हैं, छात्रा हैं, ध्वनि विस्तार यंत्र है, प्रार्थना सभा है, सुंदर भवनम है, प्रातःकाली शिक्षिका प्रार्थना एका बालः कुर्वन्ति उथित्वा। इतने शब्द हैं, शब्द तो बहुत है लेकिन इन शब्दों की सहायता से मैं 5 सेंटेंस लिखना है। क्वेश्चन में भी दिया है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषा सहायतया, मंजुषा की सहायता से संस्कृत में पंचवाक्या नहीं लिखा, संस्कृत में 5 वाक्य लिखे। चित्र को देखकर मंजुषा की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। और मान लीजिए ये इतने शब्द में आखिर कौन सेंटेंस हम सबसे पहले लिखे, ये कहां का सीन है, ये कहां का सीन है, ये हमें देखना होगा। सबसे पहले उसको लिखना है कि अस्मिन चित्रे विद्यालय अस्ति, इस चित्र में विद्यालय है क्योंकि विद्यालय पहला ही है, उसमें जो विभक्ति लगा है वही लगाए हैं। विद्यालय से सुंदर भवनम अस्ति, विद्यालय से सुंदर भवनम अस्ति, विद्यालय का सुंदर भवन है क्योंकि यहां सुंदरम भी है भवनम भी है, भवनम का एडजेक्टिव है सुंदरम, विद्यालय का भवन सुंदर है। प्रातः काले प्रार्थना सभा भवति, प्रातः काल में प्रार्थना सभा होती है, प्रातः काले भी दिया हुआ है, प्रार्थना सभा भी है। तत्र ध्वनि विस्तारक यंत्रम अपि अस्ति, वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र भी है यानी माइक लगी हुई है, ध्वनि विस्तारक यंत्र उसको कहते हैं। छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति, छात्र प्रार्थना करते हैं। इन 5 सेंटेंस के द्वारा हम 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ते हुए अगर मैं दूसरा इसका बनाऊं, अस्मिन चित्रे विद्यालय अस्ति, ये तो पहला देना ही है, इस चित्र में विद्यालय है, विद्यालय विद्यालय में प्रातः काले प्रार्थना सभा भवति, विद्यालय में प्रातः काल में प्रार्थना सभा होती है, तत्र ध्वनि विस्तारक यंत्रम अपि अस्ति, वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र भी है, वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र भी है। छात्राः बालाः, बालाः च प्रार्थनां कुर्वन्ति, बच्चे और बालक प्रार्थना करते हैं। एका शिक्षिका अपि अस्ति, एक शिक्षिका भी वहां है,
एका शिक्षिका भी अस्ति। तो मैंने इन शब्दों की सहायता से मैं डिफरेंट टाइप से एक विद्यार्थी एक रंग लिखते हैं, दूसरा चेंज कर सकते हैं, तीसरा तीसरे चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा के द्वारा विभिन्न तरह से इसे लिख सकते हैं। इसका लखार नहीं परिवर्तन करेंगे, एक लखार होगा। व्याकरण का ज्ञान सही रहना चाहिए, सब्जेक्ट भर का ज्ञान सही होना चाहिए, तभी ये मेरा 5 का 5 अंक इसमें मिलेगा।